नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, जिसके तहत ही जहां एक तरफ दूसरे देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, वहीं भारत समेत समूचे बिहार में जोर शोर से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की माने तो बिहार में कोरोना के सेकेंड डोज लेने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार में लकी ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा। इस लकी ड्रॉ के माध्यम से टीवी, मिक्सर ग्राइंडर, कुकिंग गैस, सीलिंग फैन, कंबल आदि देने का काम भी किया जाएगा। हालांकि ध्यान रहे कि स्वास्थ्य मंत्री ने यह साफ किया है कि कोरोना के द्वितीय खुराक में वृद्धि लाने के उद्देश्य से द्वितीय खुराक के लिए निर्धारित तारीख के 7 दिन के भीतर लाभार्थियों द्वारा टीकाकरण कराने पर ही उन्हें ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा। लकी ड्रॉ की अवधि 27 नवंबर से 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। पुरस्कार योजना के तहत हर प्रखंड में एक विजेता को बम्पर पुरस्कार और 10 विजेता को प्रति सप्ताह सांत्वना पुरस्कार आगामी 5 हफ्ते तक दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रखंड स्तर पर 2,670 लोगों को बम्पर प्राइस, 26,700 लोगों को सांत्वना पुरस्कार, वहीं मासिक ग्रैंड प्राइस जिला स्तर पर 114 लोगों को दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव और वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह अनूठी पहल शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को हर हाल में दोनों डोज लेना है। एक डोज से संक्रमण से सुरक्षा नहीं मिल सकती है। लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए यह पहल शुरू की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन बिहार सरकार किसी भी तरह के एहतियात को नहीं बरतने वाली है। यही कारण है कि बिहार में लगातार टीकाकरण को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर घर दस्तक अभियान के तहत ही घर घर जाकर टीका देने का काम हो रहा है और अब तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने का काम किया गया है। आगे भी बिहार सरकार की यही कोशिश है कि अगर तीसरी लहर की संभावना बनती है तो बिहार की अधिक से अधिक आबादी टीकाकरण करवा चुकी हो, ताकि आने वाली चुनौतियों के लिए बिहार का हर एक नागरिक तैयार हो। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।